कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक असर भारत में दिखना शुरू हुआ तो पूरा माहौल अव्यवस्थित सा हो गया। पीड़ित आशंकित लोग असंख्य सवालों के साथ अस्पतालों, डॉक्टरों, टेस्ट लैब की तरफ बेतहाशा रुख करने लगे। कोरोना का आक्रमण कितना गंभीर है, भोजन का प्रश्न, दवा कौन सी लेनी है, कौन सा टेस्ट, डॉक्टर से कैसे बात हो, तमाम सवाल। देश की राजधानी में सेवा भारती ने समाज की इस तकलीफ को समझा और इलाज निकाला हेल्पलाइन के रूप में। वो ये पूछता प्लाज्मा कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, कहाँ भरी जाएगी भाई, वो भोजन कहाँ मिलेगा, शमशान घाट की सेवा कहाँ मिलेगी, तो डॉक्टर से कैसे परामर्श करें। तो सब लोग लगे हुए हैं पर किसी को कुछ ज्ञान है, किसी को कुछ ज्ञान है। तो संगठन ने एक बैठक करके ये कहा कि क्यों ना हेल्पलाइन खोले और वहाँ पर एक ऐसे एक्सपर्ट बच्चे बढ़ा दे और उन्हें अपडेट करते रहे कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है। जैसे सुबह दूध देना है, उसको मेडिसिन की व्यवस्था है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, माता पिता, वृद्ध माता पिता यहाँ रहते हैं, तो उन बच्चों के फ़ोन आए, कार्यकर्ताओं ने जाकर के उनको मेडिसिन की व्यवस्था, हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था, जबकि कोई अड़ोस में पड़ोस में कोई नज़दीक नहीं आता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे सेटअप तैयार किए और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आप कौन से स्टेट से, एक बार एड्रेस बताएंगे अपना। कोरोना से व्यथित परिवारों के फोन कॉल का एक अंतहीन सा सिलसिला शुरू हुआ। किसी परिवार को भोजन की तकलीफ, कहीं बुजुर्ग अकेले हैं, कहीं दवाएं नहीं मिल रही, कहीं ऑक्सीजन या प्लाज्मा की जरूरत है। ऐसी कोरोना काल की जाने कितने ही दिक्कतें हैं जिनका इलाज सेवा भारती की ये हेल्पलाइन कर रही है। पूरा परिवार अगर कोविड पॉजिटिव है और खाना नहीं बना पा रहे हैं तो उन तक खाना पहुंचाना। अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहा है और इमरजेंसी है तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ अबाउट 150 डॉक्टर्स हु आर अवेलेबल 24/7। सिमिलरली वी हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम उत्कर्ष भारत, तो जिसमें पोटेंशियल डोनर्स और जिनको प्लाज्मा ब्लड या प्लेटलेट चाहिए अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं और हमारे कार्यकर्ता जो डोनर्स हैं उनकी सूची में उनसे बात करते हैं कि वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन गिविंग प्लाज्मा टू द पर्सन और नॉट। परिवार ही पॉजिटिव हो गया तो पड़ोसी भी हाथ लगाने को राजी नहीं है, तो ऐसे समय पर उन्हें आवश्यकता थी कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जिसमें दवाई हो सकती हैं, भोजन हो सकता है, दूध हो सकता है, तो इस तरह की कॉल्स हमारे कॉल सेंटर पर आना शुरू हुई। उन कॉल्स को अभी हम लेना शुरू किए और उन कॉल्स के द्वारा जो वहाँ के रहने वाले हमारे बिल्कुल उस बस्ती में ही रहने वाले कार्यकर्ताओं ने ऑन किया। दिल्ली में सेवा भारती के 15,000 कार्यकर्ताओं और 150 से ज्यादा डॉक्टरों की पैनल पर उपलब्धता का अपना अनुभव है जो बताता है कि मौजूदा हालात में पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ऐसे में कोरोना काल की मुश्किलों से पार पाने का हेल्पलाइन एक बड़ा माध्यम बना है।